नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा साटा केबल के ऊपर, जो हम हमारे हार्ड डिस्क SSD साटा ऑप्टिकल ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब साटा का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? साटा का लॉन्ग फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और इससे पहले हमें एक टेक्नोलॉजी यूज की थी जो पुराने कंप्यूटर है उसमें पाटा की थी, जो कि पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट था। तो यहाँ पे हम ये साटा के बारे में जानेंगे, जो कि केबल कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें भी कुछ वर्जन आए, जैसे साटा 1, साटा 2, साटा 3। अब इसमें भी स्पीड वेरी हो गई थी, जैसे कि साटा 1 में 1.5, साटा 2 3 GB, उसके बाद में अब साटा 3 चल रहा है तो 6 GB की इसकी स्पीड हमें मिलती है। अब हम आज आपको बताएंगे कि अच्छा साटा केबल आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ब्रांडेड लेना चाहिए या जेनरिक लेना चाहिए, और सस्ता और महंगा, ये दोनों इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, अमेजोन पे मैं जब सर्च कर रहा था तो बहुत सारे यहाँ पे साटा केबल शो हो रहे थे, तो मैंने इसमें से बेस्ट आपके लिए कुछ पिक किया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे हमारा साटा 3 केबल है, 1.5 3GB 6GB हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, जो भी आपके SSD है, ये दो पैक में आएगा, दो मिलेंगे आपको। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो मिलेंगे और यहाँ पे ये कंपनी नहीं है, ये ब्रांड जेनरिक है, आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पे ये सिंपली 135 में आपको मिलेगा। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि ये सिंपली आपको 135 में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको बता रहे 135 में। और यहाँ पे आप साटा जो 3 मिलेगा, 2 packs 135 में। अब हम चलते दूसरे, यहाँ पे एक एडमोजी करके साटा केबल है जो साटा 3 ही है, और यहाँ पे आपको सिंपली एक पैक मिलेगा और जो 99 में मिलेगा, और उसके रेटिंग भी अच्छी है अमेजोन पे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइन भी दी हुई है, देखिए यहाँ से कैसे आप इसको अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये केबल है सिर्फ 99 में, और पहले हमारा 135 में दो मिल रहे थे, मतलब एक लेने से बेटर है कि आप दो ले लें जो कि 135 में मिल जाएंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे, डेस्कटॉप के लिए सुटेबल है? जी 100% सुटेबल है, ठीक है, ये दोनों डेस्कटॉप सुटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो ब्रांड है एडमोजी, इसका भी जेनरिक जैसा ही है, लेकिन ये पहला जो था प्योर जेनरिक था, उसका कोई ब्रांड नहीं था, ठीक है। और एडमोजी करके ये भी ब्रांड नहीं लग रहा, क्योंकि इनके नीचे डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, ठीक है, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम ब्रांड के ऊपर, प्रॉपर ब्रांड के ऊपर, जो कि ट्रूविक कंपनी का है, जो पैक देता है दो का। और यहाँ पे दो हमें साटा केबल मिलेंगे जो कि साटा 3 कैटेगरी पे होंगे, और जिसमें हमें स्पीड भी मिलेंगी 6 GB, जो कि हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव के लिए, DVD राइटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ इस तरह से ये देखता है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ इसका प्राइस कितना है 148 में। नीचे चलते हैं और उसकी कंपेटेबिलिटी देख लेते हैं। तो ये देखिए कंपनी का यहाँ पे स्टैंडर्ड इमेजेस यहाँ पे उन्होंने अपलोड कर दी है, और यहाँ पे बताया है कि दो पैक मिलेंगे और ये कंपेटेबल रहेगा हार्ड डिस्क के लिए, SSD के लिए, DVD राइटर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको साटा 3 मिलेगा हार्ड डिस्क, और स्पीड भी यहाँ से इसको अच्छी खासी मिलेगी, और कंपेटेबल विद मल्टीपल डिवाइस, ये मतलब कंप्यूटर हो, साटा हार्ड डिस्क, SSD, साटा ऑप्टिकल ड्राइव, इनके लिए साथ में कंपेटेबल होगा। और यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक नॉच भी दिया हुआ है, जिससे कि आपके जो हार्ड डिस्क में कनेक्ट होता है विद लॉकिंग लैच बोलते हैं इसको, और ये कनेक्ट हो जाएगा, मेल टू मेल है, ऑटोमेटिकली आपके किसी भी कंप्यूटर पर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक था जो कि 148 में है। अब दूसरा चलते हैं इज़िन की तरफ, ये भी है, ये दो आते हैं जो कि 199 में है, और लेकिन इसकी साइज देखिए 16 इंच है, 45 सेंटीमीटर की तकरीबन आ जाती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है साटा 3 कैपेबल डिजाइन टू कनेक्ट मदरबोर्ड, सबके लिए ये होगा। और इसके अलावा जो रिविजन है 3.0 अलाउड साटा ट्रांसफर स्पीड 6 GBPS 2 फास्टर देन साटा सेकंड से, जो हमारा पहला वर्जन था सेकंड वाला, तो उसमें ज़्यादा ये कैपेबल है। की नीचे डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं, तो देखिए साटा 3.0 यहाँ पे ऑप्शंस भी इन्होंने दिए हैं, तो स्पीड कैसा मिलता है, इनके ऑफिशियल जो इनका पेज है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और ये कंपनी अच्छी लग रही मुझे, ट्रूविक से अच्छा लग रहा है, थोड़ा महंगा है बट ठीक है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इनका क्वालिटी अच्छा लग रहा है, तो ये लेने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये ले। और ये मेंशन है कि ये IDEA सपोर्ट नहीं होगा, सिंपली आपका साटा पे सपोर्ट करेगा। उसके बाद में एक, अगर आपके दो काम नहीं होते, दो केबल से काम नहीं होते, आपको 5-4 केबल चाहिए, तो ये स्टोरिक का एक पैक मिलता है, यहाँ पे साटा 3 है, 6.0 GB पे इसकी स्पीड मिल जाती है, और 90° राइट एंगल होता है, मतलब ये देखिए एंगल पे आप इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये देखिए यहाँ पे आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आपको कंपनी ने मेंशन किया कि ये IDEA पे नहीं काम करेगा, सिंपली साटा पे काम करेगा, और 5 केबल मिलेंगे, मतलब 200-300 में, मतलब एक केबल ही आपका 300 से हम डिवाइड कर लेंगे 5 को, तो कितना आ जाएगा, 6, मतलब 60 रुपए का केबल गिर जाएगा, और जो कि काफी सस्ते दाम में केबल आपको मिल रहा है। और इसकी ये देखिए इतना गेज इसको मिलेगा, और कितना रहेगा ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन
किया है, ये देख लेते एक बार कितना साटा 3 केबल होगा। ठीक है, 40 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज रहेगी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 40 सेंटीमीटर साटा केबल रहेगा, ये 40 सेंटीमीटर बहुत होता है दोस्तों, आपका काम इसमें बन जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण, जैसे इससे पहले हमने जेनेरिक देखा और उसके बाद में दूसरा भी जेनेरिक देखा, उसके बाद में कंपनी का देखा था ब्रांडेड जो कि 148 था, और यहाँ पे हमने जो कि मुझे बेस्ट 199 में, और उसके बाद में स्टोरेज जो कि अगर आपको दो से काम नहीं होता है तो ये आप ले सकते हैं। तो इस तरह के नए इंटरेस्टिंग गैजेट जानने के लिए, नए इंटरेस्टिंग टिप्स जानने के लिए, नया नॉलेज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको पावर केबल बताऊंगा किस तरह से आप चूज कर सकते हैं सस्ते दामों पे, और इस सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।